हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम मोटरसाइकिल की बात नहीं करने वाले हैं, आज हम कुछ और बात करेंगे। क्या हुआ कि ये एक हैंड हेल्ड ये वो था जिससे कि छाछ बनाते हैं और बाकी चीज़ें फेंटते हैं, तो एग बीटर जिसको बोलते हैं, वो ख़राब हो गया था और इसके गियर सिस्टम्स में कुछ ख़राबी आ गई थी। तो ये सब निकाल दिया मैंने खोल के, और फिर मैंने सोचा कि मेरे पास एक पुरानी मोटर पड़ी थी, तो क्यों ना मैं इसको एक मोटराइज्ड सिस्टम में कन्वर्ट कर दूं। लॉकडाउन में सोचा कुछ कंस्ट्रक्टिव किया जाए, तो मोटर को मैं इस तरह से कुछ माउंट करूंगा कि मैंने यहाँ पर मोटर का एक ओरिजिनल जो गियर था उसी के ऊपर एम सील लगा के, और जो इसमें फिटिंग होती है यहाँ पे, तो उसमें एम सील वगैरह लगा के मैंने इसको फिक्स किया है। अभी ये एम सील थोड़ा सा सूख रहा है, तो इसको मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर ऐसे डालूँगा, यहाँ फिट करने वाला हूँ, और यहाँ से मैं इस रॉड को ऐसे करके जो मोटर है उससे वो कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, फिर मैं इसको हॉट ग्लू से सील कर दूंगा। बट इसको मोटराइज बनाने के लिए मुझे एक ट्रिगर सिस्टम चाहिए, तो मैं इसी का ओरिजिनल ट्रिगर जो ये टूट गया है इसी को यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे जो उसका एक कॉन्टैक्ट पॉइंट है इसी को यूज़ करके कुछ जुगाड़ करने वाला हूँ। तो देखते हैं हाउ इट टर्न्स अप और कैसे काम करेगा, आई डोंट नो, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, तो ये सब पड़ा हुआ है यहाँ पे सामान। ठीक है, तो अभी मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ और फिर देखते हैं आगे कैसे काम करेगा। तो ये कुछ इस तरह है कि मैंने इसको, इस रॉड को यहाँ से डाल के ओरिजिनल सेटअप में मोटर के साथ फिक्स कर दिया है और इसको यहाँ पे ऐसे डाल दिया। अब ये मेक श्योर करना है कि ये एक प्रॉपर अलाइन रहे, अदरवाइज वाइब्रेशंस के कारण मोटर जो है वो निकल जाएगी। सो एज ऑफ नाउ ये काफ़ी स्मूथ घूम रहा है, कोई मोटर में वाइब्रेशंस फील नहीं हो रहे हाथ में। तो अब मैं इसको हॉट ग्लू कर देता हूँ, तो ये देखिए, तो इसको अब मैं हॉट ग्लू कर दूंगा यहाँ पे फिलहाल के लिए, और फिर देखते हैं कि हॉट ग्लू उसको होल्ड कर पाता है कि नहीं, और अगर नहीं तो फिर मे बी यहाँ पे जो कोई और टाइप का ग्लू जो होगा वो फिट करने की कोशिश करूँगा। तो ये सूख के सॉलिड हो गया है और इसको हम टेस्ट करके देखते हैं एक बार कि कैसे काम कर रहे हैं। ये है 9 वोल्ट बैटरी, मैं इसे चेक करके देखता हूँ इसको। थोड़े वाइब्रेशंस हैं इसमें, बट आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
और ये बैटरी ऑलरेडी वीक है तो इतने पावरफुल उसके रोटेशंस नहीं हैं और इसका आरपीएम स्लो भी हो रहा है। सो इसको मैं फिनिश करता हूँ फिर ट्रिगर सिस्टम और फिर चेक करते हैं इसको। हाँ तो कहानी ऐसी है कि ये बन गया है अपना कंप्लीट। इसमें बेसिकली ट्रिगर मैकेनिज्म में क्या क्या है कि मेरे पास ये दो पुराने हॉर्न के क्लिप्स रखे हुए थे तो मैंने इनको सीरीज में इस बैटरी के साथ जोड़ के वायरिंग को अंदर डाल के बना दिया है और काफ़ी अच्छे इसके आरपीएम्स हैं और छोटे मोटे कामों में काम आएगा, जैसे कॉफ़ी फेंटने में या फिर एग फेंटने में। और ये बैटरी आप रिप्लेस कर सकते हो और मे बी इन द फ्यूचर मैं इसको एडाप्टर से कनेक्ट कर दूँ, डोंट नो। सो काफ़ी अच्छा है, इसको यूज़ करके देखते हैं तब मज़ा आएगा। तो आज मेरे पास कुछ अंडे हैं तो अंडे के साथ इसको यूज़ करते हैं, अपन चलते हैं किचन में। सो ये है हमारा बोल, ये हैं कुछ अंडे, तो मैं इसमें से दो अंडे ले लेता हूँ। ओके, इसको घुमा के देखते हैं। ओके, इसकी बैटरी थोड़ी वीक थी इस कारण से इसका आरपीएम स्लो हो गए हैं। अगर इसको मैं अडॉप्टर से कनेक्ट करूं या किसी और पावर सोर्स से कनेक्ट करूं तो आई एम श्योर ये बेटर परफॉर्म करेगा। सो बट एज ऑफ नाउ आप देख सकते हैं कि ये काम कर रहा है और सी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है और इट वर्क्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड एक छोटा सा DIY था, मे बी नेक्स्ट टाइम कुछ और करेंगे। सो थैंक यू, बाय बाय।